रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं, आज से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रही हूँ मैं। 1/b की वैल्यू आपको गिवन है, आपने सिर्फ फाइंड करना है b4 + 1/b4। सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर 1/b आपके पास ये है तो इसी का रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे इसको, तो b की वैल्यू क्या बनेगी, 1 ऊपर, ये आ गई b की वैल्यू। इस b की वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 × 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, 3 और 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, जो ये इससे कट जाएगा। 4 − 3 होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आपके पास आ गई 2 − √3। आप अब निकालेंगे b + 1/b, सो b की वैल्यू आपने अभी निकाली है 2 − √3 प्लस 1/b की वैल्यू है 2 + √3, ये कैंसिल हो जाएगा। b + 1/b की वैल्यू बची 2 + 2 = 4। हमने निकालना है ये, इसके लिए हम पहले करेंगे इसकी स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4 × 4 = 16, इस b से ab कैंसिल हो जाएगा, (16 − 2). हम स्क्वायरिंग निकाल चुके हैं, हमें 4 निकालना है। अब क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a² + 2ab + b². तो a क्या है, b², b क्या है, 1/b². 14 का होता है 196, ये हो जाएगा b4 + 2 1/b4, 196 प्लस 2, यहाँ पे जाके -2 हो जाएगा, b4 + 1/b4 की वैल्यू बनेगी आपके पास 194। ये है हमारा सॉल्व आंसर। 9 सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है कि इफ x = this, तो वैल्यू फाइंड करनी है आपने x4 + 1/x4 की। स्टार्ट करते हैं, x ये है तो 1/x क्या होगा आपके पास, 1/5 √5 + 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, रेशनलाइज कर रहे हैं हम इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 × 4, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 − 4 बचेगा, जो कि हो जाएगा 1 के इक्वल, लिखना जरूरी नहीं है। आपके पास ये आ गई 1/x की वैल्यू √5 − 2। x4 के लिए जरूरी है कि पहले स्क्वायरिंग करेंगे, x + 1/x निकालेंगे पहले, x की वैल्यू प्लस 1/x की वैल्यू क्या है,
प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, फाइव हमने कॉमन लेना है तो यहाँ पे वन है तो प्लस कर लेंगे, वन और वन टू, इसी की स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स पे। फॉर्मूले से खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से, टू टू जा फोर, इसका टू और स्क्वायर कैंसिल भी आएगा तो ये बचेगा जो कि हो जाएगा ट्वेंटी। ये टू प्लस में यहाँ पे जाएगा माइनस में हो जाएगा, ट्वेंटी माइनस टू होता है एटीन, एक वैल्यू तो आ गई है। अब इसकी अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वन बाय एक्स स्क्वायर, ये टू जो हमने लगाया है स्क्वायर इसके ऊपर, ये फॉर्मूले का स्क्वायर लगाया है। और 18 18 तक क्या होता है करके चेक कर लीजिए, थ्री ट्वेंटी फोर, टू टू जा फोर प्लस टू फोर, थ्री ट्वेंटी फोर, ये टू यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ पे जाके माइनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री ट्वेंटी।